आई थिंक इंडिया में हमेशा आके हमने बहुत इंजॉय किया, जो एटमॉस्फेयर यहाँ पे होता है, जिस किस्म की पिचेज हैं, एज ए बैट्समैन भी बहुत इम्प्रूव किया है, जिस तरह लोग इंजॉय करते हैं हम लोग भी इस क्राउड के सामने यहाँ पे आके बहुत इंजॉय करते हैं, और जिस तरह लोगों का जोश खरोश होता है पाकिस्तान टीम के साथ हमेशा, वो भी बड़ा हमने अच्छा लगता है और इंजॉय करते हैं। आई थिंक मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये पाकिस्तान इंडिया की जो क्रिकेट है वो शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली क्रिकेट है, और इस चीज़ को मिस करते हैं इंडियन लोग भी, पाकिस्तानी भी, हम एज ए प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो आई थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका वाकई दुख होता है जब हम नहीं खेलते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के जितनी जल्दी ये मुकाबले या ये गेम्स जितनी जल्दी इसको वापस लाएं, उतना क्रिकेट के लिए भी अच्छा और प्लेयर्स के लिए भी अच्छा और इन दोनों मुल्कों के लिए भी अच्छा। Yeah, the bowling unit is always, I believe, that good because most of the guys are experienced. We got a good pace attack. The guys already been played for Pakistan, we're representing Pakistan. They know the how to execute, how to handle the pressure, and also the spinners. We got Saeed Ajmal and the other guy, Imran Khalid, is also experienced. So these guys have experience to compete at this level. So I was having faith in them that whenever we scored fighting total, they're going to really get us something, and I think they proved it today. And even in Pakistan, when we won the tournament, our bowling was the main strength for us. I think कि मैंने पहले भी इस चीज को mention किया है कि as a cricketing nation, as authorities, cricket board, हम सबको इस चीज़ को, ये बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है हमारे लिए, इस चीज़ को देखना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को देखना पड़ेगा कि वाई क्वालिटी बैट्समैन आर नॉट कमिंग। हमारे मुकाबले या हमारे जो मैचेस हैं डोमेस्टिक लेवल पे, उसको किस तरह कंपेटिटिव कर सकते हैं इन प्लेयर्स को थ्रू ए टूल्स या अंडर 19 टूल्स या कंपेटिटिव क्रिकेट के साथ किस तरह हम एक्सपोजर दे सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आने वाले सालों में। आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर हमने सही तरीके से एड्रेस कर लिया तो पाकिस्तान क्रिकेट अभी भी फ्लरिश कर सकती है। इट वॉज रियली इम्पोर्टेंट फॉर आवर टीम टू गो बैक विथ सम पॉजिटिव्स, स्पेशली फॉर द यंग गाइज हू हैव बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक दे कैन गेट बिलीव फ्रॉम दैट दैट इफ यू वर्क हार्ड अ लिटिल बिट मोर एंड put things in the right place, we can really compete at this level. So that was really a big learning curve for them, and I think they have learned a lot from here.